भगवान शिव के भक्तों की कोई कमी नहीं है और उनके भक्त भगवान शिव को खुश करने के लिए उन्हें एक पत्र जरूर चढ़ाते हैं। आपने बिल्कुल सही समझा, मैं बेल पत्र की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, बेल पत्र भगवान शिव को चढ़ाया जाता है, ये बात तो ठीक है, लेकिन बेल पत्र आयुर्वेद में एक औषधि है, इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। आज मैं आपको बेल पत्र के कुछ ऐसे फायदे बताऊंगा जिसे जानकर आप बहुत ही हैरान हो जाएंगे। हम आपको हमेशा से ये कहते आए हैं कि धर्मों को आप अंधविश्वास ना माने, क्योंकि धर्मों में इस्तेमाल होने वाली हर चीज आयुर्वेद में औषधि है। जैसे कि लौंग, इलायची, गुड़ या फिर कोई भी चीज हो, वो आयुर्वेद में एक बहुत बड़ी औषधि है। ठीक उसी तरह से भगवान शिव को चढ़ाया जाने वाला बेल पत्र भी आयुर्वेद में एक औषधि है। इस औषधि को अगर सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो ये आपके शरीर की कितनी बीमारियों का नाश करती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि बेल पत्र का इस्तेमाल कैसे करें और इसके इस्तेमाल से कौन सी बीमारियां खत्म हो सकती हैं। वो सारी बीमारियां जिसके लिए आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं और हजारों लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन वो सारी बीमारियां आपके शरीर से बिल्कुल फ्री में गायब हो सकती हैं और जिंदगी में दोबारा भी नहीं आएंगी। तो आइए जानते हैं बेल पत्र के बारे में सारी जानकारी। तो प्लीज आप इस वीडियो के साथ बने रहें और आज के इस एपिसोड को जरूर देखें। दोस्तों, बेल पत्र के अगर गुणों की बात करें तो इसका सबसे बड़ा गुण है कि ये पित्त नाशक है। अब बॉडी में पित्त अगर बड़ी हुई है तो ये उसको ठीक करता है, लेकिन सबसे बड़ी सिचुएशन ये होती है कि पित्त बड़ी है ये कैसे पता करें। अगर दोस्तों आपको बाथरूम पीला आ रहा है या फिर आपकी बॉडी में इचिंग हो रही है यानी खुजली हो रही है, तो इसका मतलब है आपका पित्त बढ़ा हुआ है। और पित्त बढ़ने से ढेरों बीमारियां होती हैं, लेकिन उन सारी बीमारियों को सिर्फ एक बेल पत्र ठीक कर सकता है, क्योंकि बेल पत्र हमारी बॉडी के पित्त के लेवल को कम करता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि बेल पत्र को आपको खाना किस तरह से है, क्योंकि अगर आप किसी औषधि को सही ढंग से नहीं ले रहे तो वो औषधि आपको फायदा ही नहीं करती। ठीक उसी तरह से जिस तरह से डॉक्टर से अगर दवाई लेकर आए लेकिन दवाई को सही ढंग से ना खाएं तो वो दवाई फायदा ही नहीं करती, ठीक उसी तरह आयुर्वेद की औषधियों को भी सही ढंग से और सही मात्रा में लेना होता है। आपको दोस्तों सुबह उठते ही खाली पेट बिना ब्रश किए बेल पत्र के पत्तियों का सेवन करना है। सिर्फ 2 से 3 पत्तियां बेल पत्र की खाली पेट बिना ब्रश किए आपको खानी है। इस तरह से अगर आप लगातार 1 से 2 महीने बेल पत्र की पत्तियां खाते हैं तो आपको अनेकों फायदे होंगे। जो बीमारियां आपकी बॉडी से दूर होंगी, चलिए मैं आपको उनके बारे में बताता हूं। सबसे पहला, जैसे मैंने आपको बताया कि पित्त से जुड़ी हुई बीमारियां, और पित्त से जुड़ी हुई बीमारियों में जो सबसे बड़ी बीमारी है वो है शरीर में छाले होना। अगर आपके पेट में, मुंह में, पांव में कहीं भी छाले हैं तो आपके अल्सर्स की प्रॉब्लम को ये दूर कर सकता है। बेल पत्र को अगर रोज सुबह खाया जाए तो इससे आपकी बॉडी के सारे अल्सर्स खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए बेलपत्र बहुत ही अच्छा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो पिछले 10 या 20 साल से इस बीमारी से जूझ रहे हैं। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर कहा है, यानी कि ऐसी बीमारी जो चुपके से आपकी जान ले लेती है। दोस्तों, ये बीमारी बहुत ही घातक है। हाई ब्लड प्रेशर होता क्यों है ये बात तो हम जानते ही नहीं है, लेकिन हम लोग डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं इलाज करवाने। दोस्तों, बीमारी को पहले आप खुद समझिए, फिर आप देखिए कि जो आपका इलाज किया जा रहा है क्या वो इलाज सही है। पुराने जमाने में तो हम इस बात पर विश्वास कर सकते थे कि डॉक्टर्स जो कह रहे हैं वो बातें ठीक हैं, लेकिन आजकल आंखें बंद कर किसी पर विश्वास किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि आजकल लोग किडनी की पथरी निकलवाने जाते हैं, वहां पर डॉक्टर किडनी ही निकाल लेते हैं। ये बातें बिल्कुल सच हैं। इसलिए दोस्तों, पहले आपको समझना चाहिए कि हाई ब्लड प्रेशर होता क्यों है, क्योंकि अगर आप बीमारी का कारण समझ गए तो निवारण तो आप खुद ही कर लेंगे। अब हाई ब्लड प्रेशर जो है वो होता है हमारे खून के गाढ़ा होने के कारण, क्योंकि जब खून गाढ़ा हो जाता है तो दिल को ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है खून को पंप करने में। इस कारण से हमारी आर्टरीज में प्रेशर बढ़ जाता है, जिसे हम ब्लड प्रेशर का बढ़ना कहते हैं। अब खून गाढ़ा क्यों हुआ ये जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आपने इस चीज को जान लिया तो आपका बीमारी का निवारण हो जाएगा। खून गाढ़ा होने का कारण है हमारे पेट में गड़बड़ी होना। अगर हमारा खाना अच्छे से नहीं पचता, यानी अगर आपको कॉन्स्टिपेशन या इनडाइजेशन है, या आप कुछ ऐसा खा रहे हैं जो आपको नहीं खाना चाहिए, जैसे कि तला हुआ या पका हुआ खाना, अगर आप तला हुआ या पका हुआ खाना हर समय खाते रहते हैं तो इससे भी आपका खून गंदा हो जाता है। खून गंदा होने से खून गाढ़ा हो जाता है और ये गाढ़ा खून हाई ब्लड प्रेशर का कारण बनता है। इसका निवारण क्या है? निवारण है अपने पेट को सही करना। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो उसका इलाज करें, अगर इनडाइजेशन है तो उसका इलाज करें। इलाज पेट का करना है, हाई ब्लड प्रेशर का नहीं। अगर आप पेट का इलाज करेंगे तो हाई ब्लड प्रेशर तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। अब पेट का इलाज कैसे करें? बेल पत्र के जरिए। सुबह उठकर खाली पेट 2 से 3 बेल पत्र हर रोज खाइए। इससे आपका पेट बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इनडाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल ठीक होगी, और देखते ही देखते आपकी सारी बीमारियां दूर होंगी, फिर चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर हो या मोटापा हो। मोटापा भी बेल पत्र के जरिए ठीक होता है,
लेकिन बेलपत्र के जरिए सिर्फ मोटापा ठीक नहीं होता, पेट ठीक होता है। पेट ठीक होने से मोटापा ठीक हो जाता है। आजकल मोटापे की समस्या बहुत बढ़ गई है और लोग इससे परेशान हैं। मोटापे को ठीक करने के लिए तो लोग दवाइयां भी खाने लग गए हैं। कुछ लोग डाइटिंग करते हैं, कुछ एक्सरसाइज, कुछ योगा। दोस्तों आप कुछ भी करते रहें, लेकिन अगर आपका पेट ठीक नहीं है तो आपका वजन कम हो ही नहीं सकता, क्योंकि वजन बढ़ने का कारण हमारे पेट का खराब होना होता है। आप अपने पेट को ठीक कीजिए, फिर अगर आपका वजन कम है तो बढ़ जाएगा, बड़ा हुआ है तो वो नॉर्मल पे आ जाएगा। तो दोस्तों अगर आपका पेट ठीक हो गया तो अगर आपका वजन बहुत ही कम है तो वो आपका नॉर्मल पे आ जाएगा, और अगर बड़ा भी हुआ है तो भी नॉर्मल हो जाएगा। तो इसके लिए बस आपको बेलपत्र हर रोज खाना है। एक महीने में 5 से 10 किलो वजन आप आसानी से कम कर सकते हैं। अगली जो बड़ी बीमारी है वो है बालों का झड़ना। बालों के झड़ने से बहुत लोग परेशान हैं, लेकिन इसका इलाज कैसे करते हैं? शैंपू या सीरम लगाकर। दोस्तों हमारे बालों की जड़ें होती हैं ठीक उसी तरह जिस तरह पौधों की जड़ें होती हैं। पौधों की जड़ों में अगर न्यूट्रिशन ना दिया जाए तो पौधों को स्प्रे करने से कोई फायदा नहीं है। पौधों की जड़ों को जिस तरह से न्यूट्रिशन चाहिए, आपकी भी बालों की जड़ों को न्यूट्रिशन चाहिए, ना कि बाहर से शैंपू या सीरम लगाने से कुछ होगा। और बालों की जड़ों को जो अंदर से न्यूट्रिशन है वो आपके खाने से मिलेगा। जब आप बेल पत्र को खाएंगे तो इससे आपके बालों को न्यूट्रिशन मिलेगा और आपके बाल झड़ने बंद हो जाएंगे, साथ ही साथ आपके बाल घने और लंबे भी हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स निकलते हैं तो बेल पत्र बहुत अच्छा है। चेहरे पर पिंपल्स निकलने पर आप बाहर से क्रीम्स लगाते होंगे। दोस्तों ये ऐसी बीमारी है ही नहीं जिसे बाहर से कुछ लगाकर ठीक किया जा सके। चेहरे पर पिंपल्स जो हैं वो हमारे खून की गंदगी है। खून गंदा होने से चेहरे पर पिंपल्स निकलते हैं, और खून गंदा होने का कारण है पेट का खराब होना। पहले अपने पेट का इलाज करें। आपका जब पेट सही होगा तो खून साफ होगा, और खून साफ होने से अपने आप आपके पिंपल्स दूर होंगे। दोस्तों बीमारियां हमेशा एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, लेकिन आज की मेडिकल साइंस में हर बीमारी का इलाज अलग ढंग से किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपका पेट खराब है तो खून गंदा होगा, और गंदा खून होने से हार्ट में ब्लॉकेज भी होगी, बाल भी झड़ेंगे और आपके चेहरे पर पिंपल्स भी निकलेंगे। लेकिन आप डॉक्टर के पास जाकर देखिए, वो आपको पिंपल्स के लिए अलग दवाई देगा, बालों के लिए अलग दवाई देगा, और दिल के लिए तो वो 5 रुपए का स्टंट 2 लाख रुपए में डाल कर देगा। दोस्तों प्लीज आप अपनी बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक तरीके से करें ताकि आपका शरीर हमेशा स्वस्थ रहे। ऐसे ही छोटी सी सुई चुभने पर डॉक्टर के पास ना भागें। दोस्तों बेल पत्र के जरिए आप अपने शरीर की इम्यूनिटी को भी बढ़ा सकते हैं। अब इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी है हमारे शरीर के अंदर का डॉक्टर जो कि बीमारियों से अपने आप लड़ लेता है। जुकाम होने पर अपने आप ठीक हो जाता है, कट लगने पर अपने आप भर जाता है, चोट लगने पर अपने आप ठीक हो जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एक डॉक्टर बैठा है जिसे इम्यूनिटी कहते हैं। लेकिन हम लोग जब गलत खान पान करते हैं तो वो इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है और बीमारियों से हम लड़ ही नहीं पाते, और छोटा सा वायरस आने पर भी हमें सर्दी जुकाम हो जाता है। अब अगर आजकल की बीमारी की बात करें कोरोना वायरस की, तो वो उन्हीं लोगों को सबसे ज्यादा है जिनके अंदर इम्यूनिटी कम है। ऐसे लोग जिनकी उम्र ज्यादा है उनको ज्यादा ये बीमारी होती है, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ इम्यूनिटी कमजोर होती रहती है। तो दोस्तों अगर आप बेल पत्र का सेवन हर रोज कर रहे हैं तो इससे आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है, फिर आप वायरसेस से आसानी से लड़ सकते हैं और दवाई खाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान ने हमारी बॉडी को बनाया ही इसी तरह से है कि हमारी बॉडी अपने आप बीमारियों से लड़ सके और शरीर को ठीक रख सके। लेकिन हम लोग ही खान पान गलत करते हैं और इस डॉक्टर को डिस्टर्ब करते हैं। तो इम्यूनिटी को बढ़ाना है तो बेल पत्र खाइए। आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। आज हमने जाना कि बेल पत्र के जरिए कैसे बीमारियों को नष्ट किया जा सकता है। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि आपके दोस्त रिश्तेदार भी बेल पत्र के फायदों को समझ सकें और इसे अपनी जिंदगी में अपना सकें। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल फ्री है। वीडियो के नीचे एक शेयर का बटन है, उसके ऊपर क्लिक कर दें और इस वीडियो को जल्दी से व्हाट्सएप, फेसबुक, जहां भी शेयर कर सकते हैं प्लीज शेयर करें। आज की वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।